कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सूची 15 अक्टूबर को जारी की गई है, एक लंबे इंतजार के बाद। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन जारी इस लिस्ट में 55 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि इस बार इस लिस्ट में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी को भी टिकट दिया गया है। उन्हें टिकट दिया गया है सनाथ नगर सीट से, और प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है कोडांगल से। क्रूशियल सीट्स की अगर बात करें तो हुजूर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तम कुमार रेड्डी, मुलुगु से दसारी सीताक्का, मेडक से मयानामपल्ली रोहित राव, मलगाजरी से मयानामपल्ली हनुमंत राव और कई अन्य नेताओं के नाम पहली लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बता दें कि 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। यहां पिछली बार दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राज्य में सरकार बनाई थी। इसका नाम बदलकर बाद में भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया था। दरअसल कांग्रेस की इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस सेफ फॉर्मूला अपनाना चाहती है। दक्षिण राज्य कर्नाटका में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अब वो तेलंगाना को जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है। तभी कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता तेलंगाना में रैली कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या हो सोनिया गांधी। हर बड़ा नेता तेलंगाना राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके रैली कर रहा है। रैली के भाषण के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे कर दिए थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैदराबाद के पास एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा कर दी थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।